अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ था, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आप सभी ने लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, भारतीय देशभक्ति संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच फिलोसफी बिलीव्स दैट बाय वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर शुड बी एस्टेब्लिश इन द सोसाइटी, किस दर्शन का मानना है कि समाज में व्यावसायिक और व्यापार शिक्षा के द्वारा मानव श्रम की गरिमा स्थापित की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सिज्म इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का संबंध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरैक्शन से। ठीक है, यानी मौखिक और गैर मौखिक दोनों संवादों से इसका मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अ टीचर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग मॉडल फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कोर्स कंटेंट, विच ब्रांच ऑफ अ फिलोसफी विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हिज और हर प्रेडिकमेंट, अ शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को सबसे उचित रूप से वर्णन करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा। ठीक है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा, अ टीचर डेवलप्स एन अचीवमेंट टेस्ट विद एन आइटम ऑफ हाई डिफिकल्टी वैल्यू एंड वाइडली डाइवर्जेंट कंटेंट डोमेन, दिस मे बी कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ, एक शिक्षक उच्च कठिनाई मूल्य और व्यापक रूप से भिन्न सामग्री डोमेन की वस्तुओं के साथ एक उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है, इसे किसका उदाहरण कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू विच टाइप ऑफ कल्चरल बिलोंग एटीट्यूड रिलीजियस बिलीफ मॉरल बिलीफ एंड एटिकेट्स, दृष्टिकोण धार्मिक विश्वास नैतिक विश्वास और शिष्टाचार किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट मटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति का ये हिस्सा होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ द लोएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल क्वांटिटी एंड द हाईएस्ट वन इज डिस्क्रीज्ड बाय द सेम क्वांटिटी सच दैट देयर रिलेटिव रैंकिंग्स आर नॉट चेंज्ड, देन इन द फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल नॉट बी चेंज, मीन मीडियन मोड वेरियंस या क्वार्टाइल डिविजन। यदि किसी बंटन के न्यूनतम प्राप्तांक में थोड़ी मात्रा में वृद्धि की जाती है और उच्चतम अंक में उसी मात्रा से कमी की जाती है जिससे उसकी सापेक्ष रैंकिंग नहीं बदलती, तो नए बंटन में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलेगा, माध्य माध्यिका बहुलक प्रसरण या चतुर्थ विचलन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो 1, 3 और 5 नहीं बदलेंगे, यानी कि माध्य नहीं बदलेगा, बहुलक नहीं बदलेगा और चतुर्थ विचलन नहीं बदलेगा, जबकि मीडियन और वेरिएंस बदल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि या जी कारक की अवधारणा को विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन को। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने ही टू फैक्टर थ्योरी दी थी और उसी में इसकी बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्केटाइप, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत सामूहिक अचेतन और मूल रूप से महत्व पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, यानी कि एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफेंस मैकेनिज्म नोन एज प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स, प्रोजेक्शन के रूप में जाने जाने वाला रक्षा तंत्र में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू अदर्स, दूसरों के लिए अपने स्वयं के अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को जिम्मेदार ठहराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक प्रसार का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्प्रेड ऑफ मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में मैकडोनल्ड रेस्तरों का प्रसार ये क्या कहलाता है, यही एग्जाम्पल है कल्चरल डिफ्यूजन का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज एसोसिएटेड विद विच पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट। आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किस व्यक्तित्व सिद्धांतकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट बेंडुरा। ठीक है, अल्बर्ट बेंडुरा बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सजेस्ट दैट पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाई द अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। व्यक्तित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सुझाव देता है कि व्यक्तित्व अचेतन प्रक्रिया और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों से निर्धारित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइकोडायनेमिक थ्योरी। यानी कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है हमारे फ्रॉयड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटेलिजेंस ही प्रपोजेस। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमत्ता में से एक नहीं है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आप चारों को देखेंगे तो चारों ही इनकी थ्योरी का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, लेकिन हो सकता है यूनिवर्सिटी इसको सही मानकर इसका कोई ना कोई आंसर दे दे। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसेटिस्फैक्शन, यानी संघर्ष और असंतोष। अगला क्वेश्चन है, विच इज कल्चरल हेगमनी, सांस्कृतिक आधिपत्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द डोमिनेंस ऑफ वंस कल्चर ओवर अदर विच इन्फ्लुएंस बिलीफ एंड वैल्यूज। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जो विश्वासों को और मूल्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याहू। याहू क्या है? याहू एक वेबसाइट है, वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटेंशन परसेप्शन लैंग्वेज थॉट मेमोरी एंड लर्निंग आर पार्ट ऑफ। अवधारणा अवधारण भाषा विचार स्मृति और अधिगम अंग हैं। ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट विल, ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिकॉल इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का पुनर्स्मरण करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन हाउ वुड यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड एंड नॉट राउंड विच इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या नहीं? यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। आप मूल्यांकन करेंगे किस चीज़ का, कि क्या पृथ्वी गोल है और वो गोल कैसे है। तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे? इवैल्यूएशन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। यानी सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित करें और उसे सुविधाजनक गति से पढ़ने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कल्चरल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू, सांस्कृतिक क्षमता शब्द का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव। यानी विभिन्न संस्कृति पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को समझना और उनका सम्मान करना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के माप के रूप में संज्ञानात्मक क्षमता की अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड विने। ठीक है, और अल्फ्रेड विने को इसका श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एजुकेशनल थ्योरिस्ट प्रपोजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग। सीखने में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस शैक्षिक सिद्धांतकार ने प्रस्तावित की है? पिछले साल के पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको ये समझाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसका आंसर इसलिए है क्योंकि पोर्टफोलियो में जब हम चीज़ों को अरेंज करते हैं तो पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें फॉर्मल होती हैं और कुछ चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, इसीलिए इसे इनफॉर्मल असेसमेंट के रूप में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू, मेटाकॉग्निशन शब्द का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल ओन वंस ओन थिंकिंग, अपनी सोच को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट द फोकस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इज प्राइमरली ऑन, रचनावादी सीखने के माहौल में विद्यार्थी सीखने का ध्यान मुख्य रूप से इस पर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इशू और प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व, मुद्दा या समस्या जिसे व्यक्ति हल करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये आप सभी को पता है, किसने बताया है, लेव वाइगोत्स्की, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट बिफोर हायर लेवल नीड्स कैन बी एड्रेस्ड, मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले किस आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएँ, बाकी की ये जो तीनों नीड्स हैं वो कैसी हैं, हमारी हायर लेवल नीड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, टीचर का क्या सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा है क्या। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधता को जश्न मनाती है। ठीक है, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। MOOC, MOOC स्टैंड्स फॉर, MOOC का मतलब क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, कल जो प्रतीक्षा में हमने एक फुल फॉर्म्स की वीडियो डाली थी, ये क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स आर गिवन बाय, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपको सबको आंसर पता होगा कौन थे वो, यशपाल कमेटी ने इसकी रिपोर्ट दी थी, वो शिक्षा बिना बोझ के यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन की बात किसने की थी, तो यशपाल कमेटी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन सांख्य फिलॉसफी इवोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी, सांख्य दर्शन में स्वर्ग को माना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, प्रयोजन मूलक प्रक्रिया इसे माना गया है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी लर्निंग अकर्स थ्रू, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखने के माध्यम से होता है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसके जो भी ऑप्शन है वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अगला क्वेश्चन है, WBL, WBL का तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर है वेब बेस्ड लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद हुम शुड अ टीचर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी रजिस्टर देयर नेम्स, अक्षमतापूर्ण बच्चों के साथ कार्य करने वाले अध्यापकों को उनके नाम किसके साथ पंजीकृत कराना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, RCE। ठीक है, RCE के साथ नाम इनका रजिस्टर कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन फिलॉसफी प्रूफ मीन्स, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोन सोर्स, जिसका हमें पता है कि ये चीज़ है, मतलब जिस चीज़ का हमें पता है वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ सोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर दिस सेंटेंस ओरिजिनेटेड द थ्री फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कॉन्शियस आर, आई एग्जिस्ट, आई नो एंड आई एम ब्लेस्ड, चेतन के तीन मूल घटक हैं, मेरा अस्तित्व है, मुझे पता है और मैं धन्य हूँ, यह कथन कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांत। ठीक है, वेदांत से ही ये क्वेश्चन, ये चीज़ निकल करके आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट किसने विकसित किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉर्गन एंड मरे। ठीक है, मॉर्गन और मरे ने इस टेस्ट को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, यानी एकीकृत शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन, यानी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, आप सभी इनको मिला लीजिए, उसके बाद आप सभी अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं।